रिव्यू वाला सेशन शुरू करते हैं। 8 क्लास ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पूरे कोर्स का रिव्यू दूंगा, 9th यानी कि 9वां ब्लॉग। तो अब ये देखें जी, ये मुझे ऑर्डर आए हैं, कल मैंने काम किया ठीक है। कितने और लिखे आ रहे हैं, 34 ऑर्डर ठीक है। ये मुझे यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे 34 ऑर्डर आए हैं ठीक है। और इन 34 ऑर्डर में कितने काम के हैं कितने नहीं है, देखें यहाँ पर सेल कितनी शो कर रहा है, 35,000 रुपये की। लेकिन ये इतनी सेल नहीं है, मैं आपको सारी बात प्रॉपर बताता हूँ, बस मैं मुंह हाथ धो लूँ यार। अच्छा जी यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद आप सब खैर से होंगे, जहाँ भी खुश होंगे, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो यार, मैंने कोर्स किया, मैंने इधर से वीडियो देखी, उधर से वीडियो देखी, मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, मैंने ड्रॉप शिपिंग की वीडियोस देखी, मैंने कोर्स की देखी, मैंने वाइट लेबल की देखी, मैंने प्राइवेट लेबल की देखी, मैंने स्टोर कस्टमाइजेशन देखा, मैंने थीम किस तरह, थीम कोडिंग वगैरह, A to Z शॉपिफाई रिलेटेड जितनी वीडियोस थे मैंने सारी छान मारी, सारी की सारी वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना तजर्बा हो गया कि मैं किसी को ना एक कोर्स सिखा सकता हूँ, एक हद तक कि जिस तरह वो काम कर सकता है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद अपने आप को बेटर कर सकता है अगर वो करना चाहे ठीक है। मेन मेन पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो जो मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो सीखे ठीक है। अब उसके लिए मेरा क्या फायदा है, मैं बताता हूँ। ये मेरा एक चैनल है, एसमी लर्न एंड अर्न वाला ठीक है। इसको जो आगे अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, इस पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए ठीक है। ताकि यार मैंने भी मेहनत करनी है, मैंने एक वीडियो बनानी है, मैंने एक सेटअप अरेंज करना है, मैंने मेरे पास लैपटॉप में इतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ दिखा सकूँ, लेकिन मैंने फिर उसको अपग्रेड करना है अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं इस वाले चैनल पर, एसमी लर्न एंड अर्न वाले चैनल पर। इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो भाई मैं आपको शॉपिफाई की A to Z वीडियो दिखाऊंगा कि यार देखो ये वीडियो मैंने सबसे पहले देखी थी, फिर आपने ये काम करना है, फिर आपने ये काम करना है, जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी उस चीज़ का आपको साथ साथ जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम ये है ठीक है, इस पर अगर कोई सवाल होगा तो वहां पर आपको जवाब दूंगा। फॉलो लाजमी कर लेना, फॉलो करोगे जवाब मिलेगा। अच्छा ये इंस्टाग्राम है ठीक है। बाकी मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यार इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो यहाँ पे आपको पूरे शॉपिफाई कोर्स की A to Z वीडियो मिल जाएगी, और मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, जो जो वीडियोस मैंने देखी हैं, जिन लोगों की वीडियो देख के मैं इंस्पायर हूँ, यार वाकई ये वीडियो कमाल है, इनकी आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है। अब इस तरह मैं आपको एक पूरा कोर्स बना दूंगा, पूरी उसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसको देख के आप शॉपिफाई कर लोगे ठीक है। अब आता हूँ पॉइंट पे बात। पॉइंट पे आने से पहले यार मैं कहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि सारे लोग देख लें, और 1K सब्सक्राइबर भी उधर हो जाए, ताकि आपके लिए भी इजीली हो ठीक है। वीडियो को लाइक भी करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो में भी काफ़ी मेहनत लगी है ठीक है। इसके बाद हो सकता है मेरी इसके रिलेटेड कोई वीडियो ना आएगी, तो आपके क्वेश्चन की आएगी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर दो कि यार आपने ये बात नहीं बताई, ये बात नहीं बताई, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में Q&A रख लूँगा ठीक है, उस Q&A की वीडियो में मैं आपको सारी आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है वेल्थ यूनिवर्सिटी NSLE का कोर्स जो कि मैंने किया, उसका टोटली रिव्यू देना ठीक है। अब शुरू में जो आपको एक वीडियो नजर आई है, 35,000 सेल ठीक है, वो मेरी एक दिन की सेल है, 34 ऑर्डर मैंने एक दिन में कंप्लीट किए थे, एक दिन की मेरी 35,000 सेल थी, एक बंदे ने 2 ऑर्डर किए थे। सारी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, वीडियो को पूरा देखना आपके ही फायदे के लिए वीडियो ठीक है। अब उसमें क्या हुआ जी, उसमें ये सीन हुआ कि मैंने ऐड चलाई ठीक है, मैंने उनके ही दिए गए नंबर, उनका एक ग्रुप बनाया, उन्होंने हमें एक नंबर दिया कि आप यहाँ से टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बाय कर सकते हैं, वो उनका अपना ही जाती नंबर है, यानी कि अपने ही उनके बंदे का नंबर है ठीक है। उन्होंने कहा कि आप इससे ले लें, हम इसी बंदे से अगर आप अकाउंट लेंगे तो हम उसी के जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये फिर भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, कहते हो गया सस्पेंड हो गया, हम क्या करें, सीधी सी बात है, या वो सस्पेंशन का रीजन बता देंगे, नया अकाउंट तो उसके बदले रिप्लेस तो नहीं ना करके देंगे। अच्छा अकाउंट तो ये सारे फ्री बनते हैं, ये बस 7,500, 8,000, 9,000 का बेच बेच के बस दे जा रहे हैं। मैंने उनसे एक अकाउंट लिया टिकटॉक का ठीक है, मैंने उस पर ऐड लगाई ठीक है, मैंने एक ऐड बनाई, उसके बाद मैंने उसको सेल करना शुरू किया। मैं कर रहा था ड्रॉप शिपिंग थ्रू HSC ठीक है, मैंने HSC पर अकाउंट बनाया, इनका जो HSC का सेशन था ना, जिसमें इन्होंने कहा HSC का अकाउंट बनाने का तरीका बताया था, मैंने उससे पहले ही अकाउंट बना लिया था ठीक है, उससे हफ्ता एक पहले ही मैंने अकाउंट बना लिया था, और मैंने मेरा अप्रूव भी हो गया था। मैंने एक यूट्यूब की वीडियो देखी थी, वो वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा फिर SV Learn & Earn वाली पे ठीक है। अगर उस पर 1K सब्सक्राइबर होते हैं, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, तो यार मैं मेहनत करूंगा, ऐसे मेरी मेहनत से है ठीक है। अच्छा अब उस पर क्या, उस पर वो मैंने उस बंदे की यूट्यूब पर वीडियो देखी HSC की, यार उसने बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया, मैंने सेम टू सेम वैसे ही उसके बताए हुए मेथड के मुताबिक मैंने वो वीडियो HSC के ऊपर अकाउंट बनाया, मेरा विद इन 1-2 डेज में मेरा अप्रूव्ड हो गया ठीक है। HSC पे फिर मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया, HSC पे मेरे आए 34 ऑर्डर ठीक है, 34 ऑर्डर आए मेरे HSC पे, आए 34 नहीं आए, मेरे आए थे तकरीबन शॉपिफाई पे, HSC तो मैं बाद में फुलफिलमेंट की ना वहाँ पे। अच्छा मेरे शॉपिफाई पे आए तकरीबन कोई 32-33 ऑर्डर आए ठीक है, उनको मैंने क्या उसे कहते हैं, अभी फिर एक मैसेज आया जी ग्रुप में HSC अकाउंट के रिलेटेड ही आया, HSC का अभी आया मैसेज, नोटिफिकेशन आया मैंने देखा। अच्छा
अब HSC अकाउंट जैसे ही मैंने देखा कि मेरे इतने ज़्यादा ऑर्डर आए हैं, मैंने एक बहुत ही अच्छी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग शुरू से ही कर लेता हूँ, कैप कट वगैरह मैं बड़ा अच्छा यूज़ करता हूँ उनका, ठीक है, क्योंकि हम शुरू से ही वीडियोज़ वगैरह कुछ की ना। मैंने क्या किया जी, मैंने एक अच्छी सी ऐड क्रिएटिव बनाई, ठीक है, उस पर मैंने स्पार्क ऐड चलाई, एक टिकटॉक का अकाउंट बनाया, फेसबुक का अकाउंट बन रही रहा, फेसबुक का पेज बन रही रहा, तो इनके पास अच्छा ये ना ये भी एक आया था कि यार फेसबुक का पेज नहीं बनना, क्लास में कहा भी था लेकिन इनका आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, यानी कि इस कदर है कि अगर हमारी कोई परेशानी है ना, प्रॉब्लम है कि यार सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो कहेंगे कुछ कर लो, ये मतलब ये चीज़ें नहीं वो बताएंगे आप, बस ये बता देंगे कि इस तरह आपने एड्स मैनेजर करना, इस तरह। अच्छा पहले जो टॉपिक पर बात छेड़ ली, मैं उस पर छेड़ लो, मैंने क्या किया, मैंने ऐड चलाई, ठीक है, मेरे तकरीबन कोई 52K व्यूज़ आए उस ऐड के थ्रू, और मुझे कोई 33 बार ऑर्डर आए, ठीक है, मैंने शॉपिफाई पर ऑर्डर किया, मैंने फिर रात को सब कॉल करके कन्फर्म की। अच्छा कुछ लोग अब ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि वो शोशोबाजी में आए हैं, गलत मलत अकाउंट लिखा और बस फेक ऑर्डर कर दिया। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं कि ऑर्डर कर देते हैं, बाद में ना कॉल पिक करते हैं, बाद में कहते हैं हमने ऑर्डर ही नहीं किया, जब उनके बड़ों को कॉल की जाती है या जब कॉल की जाती है तो वो उठाते हैं। मैंने जब देखा कि मेरे ऑर्डर आए हैं, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने वो समोसा मेकर की ऐड लगाई थी, आजकल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मैंने उसकी ऐड लगाई, वो मुझे मिल रहा था 550 का, 180 उसकी डिलीवरी थी, 30 उसके पैकिंग के चार्ज थे, तकरीबन पर प्रोडक्ट में से मैं 240 रुपये रख रहा था, ठीक है, 1000 रुपये की मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा था, सबसे कम प्राइस में मार्केट में, ठीक है, कई लोग 1100 की कर रहे हैं, 1200 की कर रहे हैं, लेकिन मैं 1000 रुपये की सेल कर रहा था फ्री डिलीवरी के साथ, ठीक है। तो उसका ये सीन था कि मैंने क्या किया, मैंने जब उसकी ऐड लगाई तो मुझे शॉपिफाई पे ऑर्डर्स आए, ठीक है, मैंने एक व्हाट्सएप न्यू नंबर लिया था घर वालों से, मैंने कहा था मुझे एक नंबर चाहिए, उन्होंने मुझे एक नंबर ला के दिया, मेरा आईडी कार्ड नहीं था बना हुआ तो उन्होंने मुझे एक नंबर ला के दिया, मैंने वहाँ से व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बनाया, ठीक है, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बनाया, ग्रुप बनाया, ग्रुप में मैं सेटिंग वगैरह करा, ग्रुप में जैसे ही मैं बंदे ऐड करा मेरा वो व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल इशू चल रहा है कि बिना किसी रीज़न व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो रहे हैं, ठीक है, मेरा वो व्हाट्सएप अकाउंट बैन हुआ, मैंने उनको अपील की, मुझे अभी तक शाम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, मैंने फिर इधर उधर से पूछा कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, मेरे पास एक अपील है, वो काफ़ी टाइम पहले से मैं वो अपील करता रहा था, मुझे लगा वो अपील फारिग होगी, लेकिन नहीं, फिर भी व्हाट्सएप बैन रिलेटेड वो अपील मैंने जब दी तो वाकई वो अपील अभी भी काम की, ठीक है, एक दिन के बाद मेरा व्हाट्सएप अनबैन हो गया, मुझे खुशी हुई, हाँ मैंने मेरा व्हाट्सएप अनबैन हो गया, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप अनबैन हुआ, मैंने फिर उस पर काम करना शुरू किया। अब जब मुझे ऑर्डर आया था ना, एक दिन की मैंने कंपेन चलाई थी 11 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है, मैंने एक दिन की कंपेन चलाई तो मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर लें, ठीक है, और उसका मुझे एक नुकसान क्या हुआ था कि जिस दिन मतलब मैंने कंपेन चलाई थी ना उसी दिन मेरा व्हाट्सएप हो गया था बैन, जब उस दिन मेरा व्हाट्सएप बैन हुआ तो भाई मुझे जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स आए थे ना वो मुझसे रिसीव नहीं हुए, ठीक है, तो जैसे ही मेरा व्हाट्सएप बैन बैन हुआ तो वो फिर सारे मैसेजेस मेरे सामने आ गए, लेकिन वो वेटिंग के लिहाज से बाद में आपके मैसेज आपको वो रिव्यू हो जाएंगे, तो वो ये था कि फिर जिन जिन लोगों के मैसेज आते थे फिर मैं उनको रिप्लाई करता गया कि सारी इस तरह इस तरह इस तरह, तो टोटल मेरे ना कुल मिला के कुछ 34 ऑर्डर हो गए, मैंने 34 ऑर्डर HSC को पेस्ट किए, ठीक है, वो मैंने पेस्ट किए तो मेरे ना ऑर्डर जब सारे चले गए, ठीक है, अब कुछ लोग फेक ऑर्डर थे, वो फेक ऑर्डरों को मैंने ना कॉल की तो उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिया, कुछ लोग आए हैं उन्होंने लिया, मतलब अब तक तो वो सारे ऑर्डर डिलीवर भी हो गए हैं, ठीक है, सारे नहीं हुए, कुछ रह गए हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने रिसीव ही नहीं किया तो वो अब रिटर्न आ रहे हैं, वो रिटर्न मुझे ठुक गई है 300 रुपये 300 करके ना वो मुझे ठुक गए, या ड्रॉप शिपिंग का ना पाकिस्तान में बिजनेस ना स्केलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये मैं एक एज अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब इसका जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट बात करने का सिर्फ ये आता है कि यार देखो मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आए थे 34 ऑर्डर, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर 34 ऑर्डर आए थे, ठीक है, एक बंदे ने दो ऑर्डर किए थे, मेरी जो वन डे की सेल थी ना वो 35,000 रुपये की थी, ठीक है, अब उनमें से जो ऑर्डर मतलब फेक ऑर्डर थे उनकी भी सेल वहाँ पे काउंट हुई, जो ऑर्डर रिटर्न हो गए उनकी भी सेल काउंट हुई, जो ऑर्डर के भी मुझे पैसे नहीं आए जो भी है एनीथिंग, ठीक है, उनकी भी सेल वहाँ पे वैसे की वैसे ही थी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो लोग आपको कहते हैं कि यार ये देखो ये हमारी मंथली सेल है 2 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख 2 करोड़, ठीक है, ये हमारी मंथली सेल है, आप हमारे पास आए हम आपको कोर्स करवाते हैं, ये सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। अब किस तरह, अब मेरी वेबसाइट है, मैं अपने दोस्त का मोबाइल पकड़ूंगा, मैं उसी, ठीक है, अब मैं एक चीज़ लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, समोसा मेकर है, फर्ज करें यही समोसा मेकर है, मैं एक ऐसा डमी के तौर के ऊपर मैं इसका रेट लगा देता हूँ 1 लाख रुपये, ठीक है, मैं उस समोसा मेकर का रेट लगा देता हूँ 1 लाख रुपये, अपने दोस्त के मोबाइल से मैं वही ऑर्डर करता हूँ फेक ऑर्डर उसी समोसा मेकर को, ठीक है, चाहे मैं उसको पे करूँ या ना करूँ, वो ऑर्डर मेरे इधर शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसका वहाँ पे शो हो जाएगा कि आज की आपकी सेल या मंथली सेल 1 लाख रुपये है, ठीक है, एक प्रोडक्ट मंगवाई तो 1 लाख, दो प्रोडक्ट मंगवाई तो 2 लाख। अब ये लोग क्या करते हैं, अगर इनके पास ऑर्डर आते हैं वो ऑर्डर चाहे जाए या ना जाए, इन्होंने वो कह देना है जी पेड है, ठीक है, और इन्होंने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वो एज आ प्रूफ के ऊपर लगा रहने देना, ताकि लोग हमारे पास जो कोर्स करें हम लोगों को दिखा सकें हमारी इतनी सेल है, ठीक है, हालांकि वो सेल ना भी हो तो बस वो काउंटिंग उधर रहेगी कि शॉपिफाई है इस तरह की चीज़, ठीक है, सेल आई या नहीं आई आपका उधर शो हो रहा है टोटल सेल्स आपने इतनी की है, ठीक है। अब मेरा 35,000 था तो मैंने 35,000 की तो सेल नहीं ना की, उनमें से कोई मेरा तकरीबन 5-6,000 रुपये मैंने प्रॉफिट निकाला था, जिनमें से मेरा 3500 रुपये ऐड का था, बकाया ऊपर जो 2-3,000 था वो मेरा था, ठीक है। अब वो 2-3,000 भी मेरा नहीं था, उसमें से जो रिटर्न आया उनके मुझे पड़ गए 300-300 रुपये, ठीक है। अभी तो मेरे दो रिटर्न आए, एक को मैंने री अटैम्प्ट कर दिया, उनको मैंने कॉल की, वो कह रहे थे आप दोबारा भेज दें, एक ने भाई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, वो मुझे पड़ गए ठूक गए, ठीक है। अब ये सीन ये है कि भाई
ये इसी तरह टोटल सेल टोटल सेल टोटल सेल इन्होंने मतलब लगाया होगा, ठीक है। अब वो कल मेरे पास स्क्रीन शॉट आपको शो हो रहा होगा, 10 ऑर्डर आए इस बंदे को, ठीक है। अनसल ने स्टोरी लगाई है, 10 ऑर्डर आए और 20 लाख रुपए की सेल है। तो यार क्या बंदा पागल है, 2 लाख रुपए की एक प्रोडक्ट को, क्या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है मुझे बताएंगे जो 2 लाख रुपए की एक प्रोडक्ट है, 2 लाख रुपए की एक प्रोडक्ट और उसे 10 ऑर्डर आए और उसकी टोटल सेल जो आ रही है वो 20 लाख रुपए की सेल है। यार ये तो कसम से पागल बनाने वाली बात है। अब 2 लाख रुपए की चीज़ एक बंदा ऑनलाइन बाई कर रहा है वो भी पाकिस्तान के स्टोर में, यार मैं नहीं मानता, मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि 10 ऑर्डर आए हैं और 20 लाख की सेल है। 2 लाख रुपए की ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप ऑनलाइन बेच रहे हो? तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको टॉपिक बना रहा है। अब दूसरी बात है कि कोर्स वाकई करवाते हैं कि नहीं। देखें मैं गया फर्स्ट डे मैं गया, मुझे भी यही था कि भैया ने सारी क्लासेस लेता है, ठीक है। मैं गया हूँ, ठीक है, मैंने इनको पेमेंट शुरू से बात करते हैं, मैंने इनको पेमेंट सेंड की। मैंने ना मैं एक और बंदा था टिकटॉक पे, उसकी वीडियोस देखता था, उसके स्टूडेंट्स के रिव्यू थे, तो मैंने पहले ना उसके के साथ बात पूछ ली। उसका यार एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगी है, उसकी वो जो आगे मेंबर उसने रखे हुए हैं, जो उसने आगे मैनेजमेंट के लिए अपना सारा रखे हुए हैं बंदे बंदे, वो बड़ी जल्दी रिप्लाई करते हैं, बड़े जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, बड़े प्यार से पेश आते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने उसकी तरह पहले मेरा रुझान था कि मैं उसके पास जाऊं, फिर जब मैं अनसले की एक वीडियो पे आया ना यूट्यूब की, तो वो वीडियो से मैं इतना मोटिवेट हो गया, मैंने कहा यार मैंने इसके पास जाना है। वो वीडियो बनी इस तरह की थी कि बंदा वो देख रहा है यार ये बंदा ठीक है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना। वो वीडियो मैंने देखी, एक तो वो इतनी अच्छी तरीके से एडिट हुई थी, कमाल था एडिटर भी, एडिटर ने भी कहा भाई मैं नहीं छोड़ रहा, मैं आज लिया नहीं लाने। वो भाई क्या सीन हुआ, वीडियो देखी मैंने, एनएसएलए की टीम से रब्ता किया, ठीक है, मैंने एनएसएलए की टीम से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे डिटेल्स वगैरह सेंड की कि इतने इतने आप इस अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दें, इस तरह। मैंने क्या किया जी, मैंने कहा चले मैं विजिट करूंगा। मैं आज उनके DHA4 वाले ऑफिस में, साथ मेरे दो दोस्त थे, उसका भी ब्लॉग एक पूरा बना पड़ा, ऑफिस में गया, वहाँ पे जाके बैठा हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे उनके एक मैनेजर थी, वो सबको बता रही थी कि इस तरह कुछ सवाल मैंने भी किए, उन्होंने कहा इस तरह सीन होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं 25,000 ले गया था, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह कर सकती हूँ कि हाफ पेमेंट आप मुझे एक आधे दिन में दे दें, हाफ पेमेंट आप अपनी यार आईफोन की स्टोरेज का मसला हो गया था। अरे चलो बात करते हैं दोबारा, हाँ कहाँ पे था मैं, वहीं पे था। अच्छा मैंने क्या किया जी, मैंने ना फिर क्या किया, मैं घर आ गया, ठीक है, दोस्तों के साथ मैंने पेमेंट पेमेंट नहीं दी, मैं घर आया, मैंने फिर अगले दिन उनको पेमेंट ट्रांसफर कर दी, मैं उनकी का नंबर ले लिया, मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी। पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद कि मैंने उनसे कहा कि आपने इस तरह मैं आपको इनवाइस भेजूंगी, आपने इनवाइस ले लेनी है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, वो मैंने उनका शाम तक वेट किया, मैंने मैसेज किया इनवाइस, वो कहती वो आपको मैं दे दूंगी थोड़ी देर तक ना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, रात 12-1 बज गई, मैंने कहा इनवाइस जी सुबह मिलते, ठीक है। अगले दिन मैंने कहा जी मुझे इनवाइस भेज दें मेरी पेमेंट की, ठीक मैं भेजती हूँ जरा एक मिनट, ठीक है। एक तो मैं मैसेज करता था, मुझे कोई आधे घंटे घंटे बाद रिप्लाई मिलता था, दूसरी बात यह कि जब मैं इनवाइस मांगता था तो अच्छा भेजती हूँ, फिर अगले दिन की रात होगी मैं भेजती हूँ, ठीक है। फिर जब तीसरा दिन मैंने कहा भेज दें आज, क्या हो गया। वो जी उसने क्या किया जी, ये नंबर है आप इनको कहेंगे ना, आप इनको अपना नेम बताएं और ये आपको इनवाइस भेज देंगे, मैंने कह देती हूँ। मैंने ठीक है जी, मैंने उनको मैसेज किया, वो भी इनका कोई असिस्टेंट था, ठीक है, असिस्टेंट ने रखा हुआ था, इनवाइसेस वगैरह बनाता था, मैंने उसको मैसेज किया। अच्छा उसके साथ ना मेरी पूरी चैट पड़ी हुई है अभी तक, वो मेरे पास सेव है। और उसने क्या किया, पहले तो उसका वो सारा नेम वगैरह लिखा हुआ था, अब जब मैं उसका नंबर देखता हूँ उसने पता नहीं काम छोड़ दिया कि उसको निकाल दिया गया भाई, वो उसका ना वो अब उसने वो बायो में लिखा था ना असिस्टेंट, वो भी नहीं है, पिक्चर भी चेंज है, हर चीज़ चेंज है, लेकिन वो चैट अभी मेरे पास सेव है, ठीक है। वो क्या था, इन्होंने पता क्या किया, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार वो भाई इस तरह ना वो दे दो, अच्छा जी मैं भेजता हूँ, मैं आपको वो स्क्रीन यहाँ पे लगा भी दूंगा चैट, ठीक है, भेजता हूँ, ठीक है मैं भेजता हूँ, ठीक है। मैंने कहा शाम हुई, मैंने फिर उसको कहा भाई वो इनवाइस यार वो मैं भेज रहा हूँ, वो ना थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा दो दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 4th दिन जाके इतने रिप्लाई के बाद, इतने वेट के बाद उसने मुझे इनवाइस सेंड की, ठीक है। 25,000 गया था, 25,000 बकाया था, ठीक है, वो इतना टाइम लगा के उसने मुझे सेंड की। मैं कहा ठीक है यार, एक बकरा जी प्रॉफिट रहा मैं, इन्होंने काफ़ी टाइम लगा, हफ्ता 1.5 तो मुझे इनवाइस लेने में लगे। मैं कहा यार इन्होंने की कराना है, जो इन्होंने जो टीम है इतना रिस्पॉन्स नहीं देती अपने जो कस्टमर्स हैं, या जो कह लें कि अपने जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पेमेंट पे कर दी, उनको नहीं यार रिस्पॉन्स मिल रहा। बंदा पूछे चले ठीक है, उनका तो समझ आता है जो भी पूछ रहे हैं, जो भी मतलब गाइडेंस ले रहे हैं कि यार आपकी फीस क्या वगैरह वगैरह, उनका तो समझ आता है, उनको थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिल जाए, लेकिन उनको यार जो उन्होंने पेमेंट दे दी उनको इतना लेट रिस्पॉन्स। तो दूसरी बात यह है कि यार इन्होंने ना अपने वो इनवाइस के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप कमाते नहीं है या आप मतलब इस तरह आपकी सेल्स नहीं आती तो हम आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन वीडियोस में भी कहा हुआ है नसली ने, ठीक है, कि हम आपको रिफंड कर देंगे इस तरह, तो लेकिन वो नहीं, कोई सीन नहीं लगा इन्होंने किसी का मतलब रिफंड का, तो इन्होंने इनवाइस में इन्होंने सारा चेंज नहीं कर दिया, अगर आप क्लासेस नहीं लेते तो आपको रिफंड इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इनवाइस भी लगा दूँ, आप इनवाइस भी देख लेना, इनवाइस कह रहा हूँ पेज एक समझ लें उनके इस तरह वेल्स यूनिवर्सिटी का। अच्छा ठीक है जी, अब क्या सीन है जी, मैं चला गया क्लासेस लेने, ठीक है। मेरी 3 फरवरी को क्लास थी, पहले 3 फरवरी को क्लास थी मेरी, मैं पहली क्लास जब लेने गया हूँ, ठीक है, तो मुझे तो यही था कि ना असली भाई क्लासेस लेते हैं, मैं उधर गया, ठीक है, वहाँ पे जाके ना बैठे बूठे आए हैं,
ठीक है, एक मैडम सी आई है, उसने आकर जी नाम नूम लिए हैं इनके जो नाम है, ठीक है, दो शिफ्ट है ना, एक सेक्शन है, एक बी सेक्शन है, जिस तरह क्लासेज में नहीं होता, एक क्लास इधर बैठी, एक इधर बैठी, हम अंदर कमरे में बैठे थे, एक दूसरी क्लास थी वो बाहर बैठी थी, ठीक है, टोटल में तकरीबन कोई टोटल 100+ बच्चे थे, ठीक है, दोनों में, अंदर भी बाहर भी, ऑनलाइन भी तो कोई 100-200+ थे, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 50-50-30 हज़ार कहाँ तक बात चली जाती है, करोड़ों में बात चली जाती है, समझ रहे। और ये दिन में सिर्फ हमारी क्लास नहीं थी, दिन में तकरीबन 3 से 4 क्लासेज होती थी, समझ लें खुद ही, सेक्शन भी दो, तो कितने बच्चे आते होंगे इनके पास। अच्छा, अब क्या सीन हुआ जी, सीन था कि भाई मैं पहले क्लास लेने गया हूँ, वहाँ पे एक सारा है, ठीक है, उन्होंने आके पढ़ाया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, कि इस तरह वाइट लेवल प्राइवेट लेवल, ठीक है, सब कुछ बेटर था, ठीक है, फिर जी शॉर्ट डल गया, नसली आ रहे हैं, तो सीधे सीधे होते जी, नसली आ रहे हैं, नसली यहाँ पे नसली आ रहे हैं जी, ठीक है, बैठे हैं जी, ठीक, कोई 10-15 मिनट बाद नसली आया, आके जी बातें बूते की हैं थोड़ी सी, बड़ा खुश हो रहा है, इतने बच्चे आए, इतने पैसे आए मुझे, हाय 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 आया भाई, थोड़ी देर बैठा है, तो आगरा ये आपने ना मोबाइल के हिसाब से बनानी है, हालांकि मैं यार अपना पूरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, इतना अनसली खुद को कहता है ना शॉपिफाई किंग, अनसली को इतना नहीं आता जितने उसने आगे बंदे रखे हो ना, मेंटोर स्टूडेंट्स ये जो भी हैं उनको उससे ज़्यादा आता है, इतना अनसली को नहीं आता, ठीक है ना, शॉपिफाई वो बता रहे थे कि वो 2018-17 से ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, और वो अब ये क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, और पक्की बात है अनसली अच्छी सैलरी देता होगा इन्हें, क्योंकि तो कहते हैं ना अच्छी सैलरी सिर्फ 2 दिन क्लासेस पढ़ाने की, वो देता होगा हैवी वाली। ये 2 दिन की मैंने जो बात की है, ये 2 दिन की बात भी गलत है, ये हफ्ता सैटरडे संडे हमारी क्लास होती थी, उससे पहले फ्राइडे थर्सडे भी क्लासेस होती थी, ठीक है, और उससे 1-2 दिन पहले भी होती थी, वो मुझे लड़के बता रहे थे सेकंड बैच के कि यार हम फ्राइडे और थर्सडे वाले स्टूडेंट हैं, हमें कोई और सर पढ़ाता है, मैं कहा वाह भाई वाह, और उसने कहा था कि यार वो सर ना इन सर से बेटर है, वो बड़ा अच्छा गाइड करता है, मैं कहा चलो यार हम तो फंस गए इन सर के पास आगे, बहरहाल मैं आपको देता हूँ, यार देखो बाकी क्लासेस तो मैंने आपको सात सारे व्यू दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 तक, मैंने कहा यार ये क्लास हुई है, फिर मेरा जो फड्डा हो गया इनके साथ, इन्होंने कहा कि आपने आपने हमारी क्लास की वीडियो डाली है, वो वीडियो डिलीट करें, इन्होंने मेरी वो वीडियो डिलीट करवाई, ठीक है, बाकी देखिए मेरी बात सुने, बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई मैं उनके साथ ना ही कोई फड्डा चाहता हूँ ना कुछ, देखिए हमारा जो कोर्स हुआ, ठीक है, अच्छा गाइड किया उन्होंने, ऑनलाइन वाले भी ठीक ठाक थे, लेकिन फिजिकल वाले ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में यार आपको ना काफ़ी इस तरह के ना क्वेश्चन है, वो आपका माइक बार बार बंद कर देंगे, चैट बार बार बंद कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी एक चुप करें, आप कमेंट से पूछेंगे, एंड पे जब हम बैठे होते थे ना तो हमारी क्लास का तकरीबन इतना कुछ और होता था ना कि ऑनलाइन वालों को समझ नहीं से आ रही होती कि उन्होंने करना क्या, ठीक है, अब मैंने अपनी 7 क्लासेस मैंने फिजिकल ली है, जो मेरी 8वीं क्लास थी वो मैं वहाँ पर लेट के मैंने ऑनलाइन क्लास लिया, यकीन मानो मैं जुम्मे का दिन है, जुम्मा पढ़ के आया हूँ, ठीक है, और यकीन मानो मैं ना क्या उसे कहते हैं मैं उधर बैठा तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, ऑनलाइन में पीछे से शोर आ रहा था, ठीक है, फेसबुक की क्लास थी, फेसबुक लाइव क्लास थी, पीछे शोर आ रहा था, 10-15 मिनट 20 मिनट की मैंने क्लास ली, फिर मैंने नींद आने लग पड़ी, इतनी बोरिंग क्लास थी, मैं उधर सो गया, क्लास चलती चलती मैं सो गया, ठीक है, बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा यार लास्ट डे था, दोस्तों वगैरह से पूछा, मैंने कहा लास्ट डे था यार कुछ समझ आई है, कुछ पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा यार बस ठीक है, ठीक थी क्लास, मैं कहना असली आया आके फिर रिव्यू शिव्यू लिया, 8 क्लास थी उसे पूछना था चाहिए था ना एटलीस्ट यार आप लोग कितना समझ, कहते नहीं, मैं कहा उसने आना भी नहीं था, अनसली ने आना भी नहीं था, उसे पता था कि जिन लोगों को शुरू से कुछ नहीं था पता यार वो किस तरह मैनेज कर पाएंगे, यार देखो मैंने कोर्स किया ना तो मुझे शॉपिफाई के ई कॉमर्स के रिलेटेड पहले भी कुछ मालूम थी, मैं फेसबुक पे पहले भी अटेंड करता था, मैंने ड्रॉपशिपिंग पहले भी की हुई थी लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, मैं कर सकता शॉपिफाई, अब जो बंदे नए आए हैं जो ये सोच के हैं कि यार हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, हम ये कोर्स कर सकेंगे, हमारे लिए वर्थ इट होगा, हम सीख जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे, हमने 50,000 पे किया हम कुछ बन जाएंगे, अब वो लोग किस तरह मैनेज कर पाएंगे अगर उन्हें A to Z उन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स ही ना समझाएंगे, यार देखो अब इन्होंने हमें कुरियर कंपनी का बताया ट्रैक्स पे आपने किस तरह अकाउंट बनाना है, ठीक है, अब ट्रैक्स पे अकाउंट तो हम बना लेंगे, ठीक है, ट्रैक्स पे अकाउंट चले ठीक है, उन्होंने ट्रैक्स पे हम अकाउंट तो बना लेंगे, अब ये बताएंगे वो ट्रैक्स का जो पोर्टल है वो हमने किस तरह उसे यूज़ करना है, किस तरह हमने उस पर फाइल अपलोड करनी है, किस तरह हमने उसकी शिपिंग करनी है, वो सारे क्राइटेरिया वो हमें बताया ही नहीं गया, ठीक है, अब वो कहते हैं जी पोर्टल पे वीडियोस पड़ी हुई है, वो पोर्टल की वीडियोस की कुछ समझ आए तो फिर ना यकीन माने कि कभी आप इनके पोर्टल की वीडियो देख लेना, इन उस पोर्टल की वीडियो में सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है, कि ये करना है ये करना, एक होता है ना कि बारीकी तक जाना, वो बारीकी तक नहीं गए हुए, पोर्टल की वीडियोस बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है पोर्टल की वीडियो, उसमें क्या जी अब रिसेंटली आप देख रहे होंगे जी Q&A की सेशन अपलोड हो गई, ये वाला सेशन अपलोड हो गया पोर्टल में, ये वाला सेशन पोर्टल का है मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, मुझे पता है क्या अपलोड हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, मैं विजिट करता हूँ, यार मैं कहता हूँ फारक तरीन पोर्टल है, ठीक है, अगर किसी कभी कभार कई कुछ लिहाज से अच्छा भी है लेकिन इतना कोई वर्थ इट नहीं है पोर्टल के बंदा अब उसी के थ्रू सारा कोर्स कर ले तो वो काम नहीं हो सकता, ठीक है, अब यार इनका इन्होंने क्या जी 8 क्लासेस में काम पूरा हो जाए 1 महीने में काम पूरा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है, ये या तो 1 महीने में ही ज्यादा क्लासेस कर लेते ताकि मैनेज हो जाता काम, या ये इस तरह कर लेते कि जो 1 मंथ का ये कोर्स करवा रहे थे 2 मंथ का करवा लेते, जो लोग 2 मंथ का कोर्स करवा रहे हैं ना वो वाकई में कुछ करवा रहे हैं, 1 मंथ में आपका कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, हफ्ते में 2 क्लासेस में कभी भी आपका शॉपिफाई पूरा रिकवर नहीं हो सकता, मैं ड्रॉपशिपिंग कर रहा हूँ वाइट लेबल अब करने आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी तक ट्रैक्स पे मुझे तकरीबन 5 दिन होने लगे हैं, मैंने ट्रैक्स पे वो मैसेज किया
ट्रैक्स पर, ट्रैक्स वालों के अकाउंट का अप्लाई किया, मुझे अभी तक वहाँ से अप्रूवल नहीं मिली। अब वो पता नहीं कल तक करते हैं, परसों तक करते हैं, कर देंगे वो अप्रूव उसका कोई नहीं। लेकिन ये है कि उसका पोर्टल वगैरह मुझे यूज़ करने के लिए वो मुझे अलग से वीडियोज देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे, ठीक है। वो मैं सारी वीडियो देखूंगा, उसको एक बार देखूंगा परखूंगा। लैपटॉप का इन्होंने बताया नहीं है, MNP के इन्होंने बताया नहीं है, TCS के इन्होंने बताया नहीं है कि किस तरह उनके अकाउंट बनाना है, कहाँ जाना है, कैसे उनको यूज़ करना है, ये चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है। जो चीज़ें नहीं बताई हुई वो ये सीन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई जान कि कितना तू हमें इनसे सेटिस्फाइड है, कितना नहीं है। यहाँ पे मैं अभी इस क्लिप के बाद आप पहले ये देखें वॉइसिस दोस्तों की, जो कि ग्रुप हमने बनाया हुआ था, जबकि हम फर्स्ट डे जब हम ग्रुप बनाने लगे तो अनसली पास खड़ा हुआ था। अनसली कहता यार अपना एक दूसरे के साथ नंबर ना शेयर करो, इस तरह तो आप ये कर लोगे वो कर लोगे। मतलब उसने कोई बात की थी, वो मेरे जहन में नहीं है कि आप इस तरह ना, मतलब मैंने यार क्या हमारा फायदा था उनमें, उनका नुकसान था। वो कह रहे थे इस तरह ना आप नंबर ना शेयर करो, इस तरह आप ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। आप कम्युनिटी बनी है पोर्टल की, वो जो पोर्टल का हमें एक्सेस मिला हुआ था, वो भी जब मैंने 25 के पूरे उनके पेमेंट दिया, फिर उन्होंने मेरे पोर्टल का एक्सेस दिया। आप ये क्या करो जी कम्युनिटी में पोस्ट कर देना और कम्युनिटी में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यकीन मानो जो लोग बंदे मैं कहता हूँ दिन में कोई 5-6 बार मैसेज करेंगे, कम्युनिटी में पोस्ट लगाएंगे, ठीक है, और कोई 2-3 दिन बाद रिप्लाई मिलता है कम्युनिटी में। इतना को गंदी इनकी मैनेज, यार मैं कसम से इनकी मैनेजमेंट से बढ़ाता हूँ, इतना को लेट रिप्लाई और इतना को गंदा रिस्पॉन्स है इनकी मैनेजमेंट का, गंदा तरीन रिस्पॉन्स है। मैं कहता हूँ गंदी मैनेजमेंट, गंदी तरीन मैनेजमेंट है इनकी। कोर्स अच्छा कराते हैं, मैं ये कोर्स के बारे में कोई बुरी बात नहीं, कोर्स अच्छा कराते हैं, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार ये पूरी बारीकी में जाए, ठीक है, पूरी तरह अच्छे तरीके से समझाए। एक एक स्टूडेंट से पूछे कि यार आपको जो चीज़ की समझ नहीं आ रही वो चीज़ बताएं। स्टूडेंट आते थे, अगले दिन क्वेश्चन करते थे, उनको फिर बता दिया जाता था, जो क्वेश्चन के ऊपर से गुजरता था ये स्टूडेंट के भी ऊपर से गुजार देते थे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में जो चाहे स्टूडेंट भूल जाए या कोई और स्टूडेंट कह रहे या ऑनलाइन वाले के पंगे पड़ जाते थे, वो स्टूडेंट भी कहते थे यार किस चैप्टर पे आ गया, वो फिर इधर उधर से दोस्तों से पूछ के घर चले जाते थे। कहने का मकसद सिर्फ यार मैंने तो सीख लिया, ठीक है, मैं तो मैनेज कर लूँगा, मैंने पहले भी किया हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि यार जो लोग, अब एक दोस्त है बलूचिस्तान से आया, एक पता नहीं कौन सा पिंड से आया, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हैं, इन्हीं के हॉस्टल में रह रहे हैं, 10-10, 20-20 हज़ार पे करके मंथली, ठीक है यार, वो किस तरह बेचारे मैनेज कर रहे होंगे, किस तरह उन्हें, मैं कहता हूँ अगर उन्हें शुरू से आता ही नहीं होगा तो किस तरह मैनेज करेंगे यार। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपके कोर्स पर गिराऊँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका कोर्स अच्छा है, मैंने किया है, ठीक है, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, ये देखो सल्यूट है, ठीक है, मैंने किया कोर्स अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये है कि यार प्रॉपर जो चीज़ें मिसिंग है उनको कराया जाए, थोड़ी सी आप अपनी टाइमिंग बढ़ा लें, जो 2 घंटे की आप क्लासेज लेते हैं उनको आप 3 घंटे की कर लें, जो आप 8 क्लासेज लेते हैं उनको आप 12 कर लें, 16 कर लें, ताकि बच्चे जो है उनके पैसे भी पूरे हो सके और वो मैनेज कर सके, ठीक है। सीधी सी बात है यार, ज़्यादा मेरा कोई फटा फूटा नहीं है आपसे, ठीक है। अब जो ये मैं वॉइस लगा रहा हूँ, ये वॉइस आप सुन लें, ये इनके स्टूडेंट्स के रिव्यू है, ठीक है, कि क्या क्या शी क्या यार मैंने इसका आया क्या, तो ये आप पहले ये वॉइस वगैरह सुन लें। सबसे पहले तो भाई मैं रोहन हूँ, पिछले पता नहीं जनवरी में आज का डिनर गया हुआ है 1-1 मिलियन सेल का, मेरी क्लास में कौन, मुझे लगता है अभी तक 200 रुपये की सेल नहीं हुई किसी की, जिसकी हुई है उसके मेरे ख्याल अकाउंट ही उड़ गए, यहाँ कोई बता नहीं रहा है। फिलहाल मुझे तो नहीं कोई मिलियन वाला नजर आ रहा है डिनर पे जाएगा, टॉप 10 हमारे ऐसे जाएंगे, टॉप 10 में जो है ना हमारे फर्स्ट नंबर, मुझे लगता है वो होगा कोई 30-40 हज़ार वाला सेल होगा, फिर 10-5 आखिरी टॉप 10 वाला होना ना 1000 की सेल होनी उसके प्रॉफिट में। यार एट एंड मैं आप सबको यही कहूँगा कि क्लास के बाद ना कोई स्टूडेंट्स ही आपस में ना, मतलब जो स्टूडेंट सीरियस है, अब क्लास में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्टोर चलेगा या नहीं चलेगा, शुगर के लिए भी कुछ लोग गए होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा यार अगर हम लोग कोई ऐसा सीन कर लें कि क्लास के बाद हम सारे इकट्ठे बैठ जाए करें, अपने अपने स्टोर्स को रिव्यू किया करें, जिसके स्टोर में जो मसला हो एक दूसरे की हम लोग हेल्प कर दें, इस तरह हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे, नहीं तो अगर हम लोग इंडिविजुअल इस तरह बैठे रहे तो हम लोग बढ़ जाएंगे सीरियसली करनी, ठीक है। हमने 50-50 हज़ार रुपया दिया, ठीक है, 6-6.5 हज़ार रुपया पर क्लास बनता है, उनसे कहेंगे ना मेरे को अकॉर्डिंग लेक्चर मिले, ठीक है ना हम एजेंसी अकाउंट में कोई रिलैक्सेशन मिल रही है, ठीक है ना हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है, हमें किस चीज़ की फैसिलिटी है, ऊपर से आप इस तरह पढ़ा रहे हैं जैसे कि हम ऑलरेडी इस तरह ट्रेन है कि हमें सारा कुछ आता है, हमें से कोई एक बंदा भी अगर आवाज़ उठाता है ना तो उनका जो बिजनेस ही चल रहा है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, हम नहीं चाहते किसी का इस तरह, मगर अगर जो बंदा गलत कर रहा है फिर उसके साथ उसी तरह चलना पड़ जाता है। यार जिसको आना है ना, ठीक है, मुझे प्राइवेट में मैसेज कर दो, मैं उन सब के लिए ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का जो है इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन लीक कर रहा है लेकिन लीक हो रहा है, उनके असिस्टेंट्स को ये यानी कि इन्फॉर्मेशन हमारी मिल रही है, तो जिस जो भाई आना चाहते हैं ना, ठीक है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं उनके लिए एक अलग सा ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, तो यानी कि यार सबने कहा था मैं उधर ही हूँ, वो जो मैम जैनब है, ठीक है ना, उनको मैंने इतने वॉइस किए हैं यार पूरे एक हफ्ते के, लेकिन एक तकरीबन 10 दिन हो गए रिप्लाई नहीं आया यार, सियापा डाला हुआ इन्होंने जान भी यार, सही तब चाह रही है गुस्सा चाह रहा है, हमें चाइना के होलसेल के नंबर दें यार, वो ये पाकिस्तानी होलसेल के नंबर दिए हैं ग्रुप्स में नहीं ऐड किया हुआ। यार देखो अगर तुम किसी को सिखा रहे हो ना, ठीक है, जहर सी बात है वो हमें इनके हमारा नंबर तो लेगा, जहर सी बात है हम उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, जहर सी बात है उसको गाइडलाइन भी चाहिए, उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है, उनको भी हमें समझाना है, ठीक है, जैसी बात है हम सिखा रहे हैं ना, और तो कोई नहीं सिखा रहा, और ये सिखा भी रहे हैं, ठीक है, बोलते हैं कि हम कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते, सर हर्ष सर को बोला था कि आप अपना कॉन्टैक्ट दे दो, उसने बोला था कि हम कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते, ठीक है, दूसरे बंदों को बोलते हैं कॉन्टैक्ट दे दो, वो बोलते हैं कि हम कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते, भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटी है कि हमें कॉन्टैक्ट ही नहीं मिल रही, ठीक है, सर के कॉन्टैक्ट नहीं मिल, चलो हमें मिल भी जाते ना ये रिप्लाई भी नहीं करते आगे से,
जाहिर सी बात है, मैं एक यूनिवर्सिटी ओपन करूँगा, ठीक है, वहाँ बच्चों को सिखाऊंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, उन स्टूडेंट्स को तो मेरा नंबर यानी कि होगा ना मेरे पास। जाहिर सी बात, उनको गाइडलाइन भी चाहिए, उनको यानी कि जो सी समझ नहीं आ रही मुझे बताना होगा ना, और तो किसी को नहीं बताना होगा। जाहिर सी बात, मैं पैसे ले रहा हूँ, और तो यानी कि यूट्यूबर्स तो उनको पैसे नहीं ले रहे, या बाहर वाला कोई पैसे ले रहा है, मुझे बताओ। मैं ले रहा हूँ ना, मैं सिखाऊंगा, मैं गाइडलाइन करूँगा, तो ये चावल मार रहे हैं बीच में, ना अपना नंबर दे रहे हैं ना रिप्लाई दे रहे हैं, ये सीन है। तो भी हमसे ले लेते ना, उनका भी हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। आगे से ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, देखो भाई ब्लैकमेल का तरीका देखो उनका। हमारे पैसे हैं, ठीक है, हमारी मर्जी है भाई, हम यानी कि जिसे चाहें पैसे देते हैं, अकाउंट बाय करें, ठीक है। इनको कोई हक है ऐसा बोलने का, हमें ब्लैकमेल करने का कोई हक नहीं है, फिर भी ये बोल रहे हैं हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप एजेंसी अकाउंट नहीं लोगे। जिन्होंने लिया भी, उनका भी हम जिम्मेदार नहीं है। देखो जिन्होंने लिया है उनका तो हमें पता नहीं है, ठीक है। बाद में इनको यानी कि कुछ गाइडलाइन मिलेगी, या उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया दोबारा उनको अकाउंट मिलेगी, हमें तो नहीं पता है यानी कि इनको अकाउंट मिलेगी, ठीक है। या किसी ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, पता नहीं क्या ये साबित करना चाहते हैं, वरना हम दोनों चले जाएँ। ओके भाई, आप ना कल तक वेट करो, ठीक है, कल साथ जाएंगे। अगर उस्मान भाई आए तो उसको भी साथ ले जाएंगे, वरना हम दोनों चले जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये वॉइस वगैरह सुन ली, इनमें जो जो बातें की उन्होंने, ठीक है, आपने सुन ली है कि यार ये इन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो यार ये सारे इनके ना जो भी है ना, ये क्वेश्चन वगैरह ये सारे राइट है, ठीक है। ये अपनी जगह पे बंदे ठीक है, ये स्टूडेंट ठीक है। अब एक लड़का है, ठीक है, उसका ना अकाउंट सस्पेंड हो गया। जब उसने कहा कि यार हमें बताया नहीं गया टिकटॉक की क्लास में कि फोटो नहीं लगानी वीडियो के ऊपर, वो जब उसने पूछा ना एजेंसी वाले से पूछा जी मेरा अकाउंट क्यों बैन हुआ, एजेंसी वाले ने बताया कि आपने ना टिकटॉक के अकाउंट की जो वीडियो है ना उसके ऊपर पिक्चर लगाई थी। अब जब हमें उसने कहा जी आप सर से बात करें, ठीक है, अगर सर कहते हैं कि आपको नहीं बताया गया तो मैं आपको रिप्लेस कर दूंगा। अब ना हमारे पास सर का नंबर, ठीक है, अब वो सर का नंबर मांगे तो कोई दे नहीं जो मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है, वो एजेंसी वाले बंदे ने कहा कि आप सर से कंफर्म करें, अगर सर मुझे कहेंगे कि इनको रिप्लेस कर दो, मैं रिप्लेस कर दूँगा। अब सर का हमें नंबर ही नहीं प्रोवाइड किया होगा, वो तो हम कैसे सर से साथ कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। अब हमारी क्लासेज एंड हो गई, हम अपने घरों को आ गए, ठीक है, वो बलोचिस्तान वाला बलोचिस्तान चले गया, वो पिशावर वाला पिशावर चले गया, ठीक है। अब हम किस तरह उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, यार हमें रिप्लेस कर दो, मुझे ये बताएं। अब वो एजेंसी वाला कह रहा है आप सर से कन्फर्म करें, सर का नंबर नहीं है, ठीक है। सर जी वो स्टूडेंट है, वो रो रहा है, यार जब हमें बताया ही नहीं गया क्लास में कि हम फोटो लगाना ही नहीं है, फोटो लगाएंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो यार ये तो उनकी गलती है ना, हमें बताते तो हम ना लगाते। तो सारी बात है, स्टूडेंट अपनी जगह पर राइट है, गलती उस सर की है, सर ने बताया नहीं था कि फोटो लगानी है। अगर सर बता देते फोटो लगानी है तो उस बेचारे का अकाउंट सस्पेंड ना होता, उसका जो 7-8 हज़ार लगा उसके वो जायज जाते फिर, अगर बताया होता तो। अब तो वो नजायज उसको ठूक गया ना वो 7 हज़ार, वो पता नहीं वो किस तरह सर से रब्ता करेगा। मेरा ख्याल है उसका अभी तक तो उसका रब्ता नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि डेली चैट होती है ग्रुप में, अभी तक तो उसका रब्ता नहीं हुआ। अब जैसे उसका रब्ता होगा, अब उसका रब्ता होगा तो फिर अगर वो कहे जी मैंने बताया था, वो कहे जी मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, तो वो बेचारा क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर लेगा। तो यार कहने का मकसद सिर्फ ये है, यार देखो मैं सिर्फ इतना से बात करूंगा कि जो बंदा आपकी इज्जत नहीं ना करता, जो इंस्टीट्यूट वाला, जो मेंटोर, जो टीचर आपकी इज्जत नहीं ना करता, आप उसके पास कभी ना जाए। इंसान की इज्जत अपने हाथ होती है, आप उसके पास कभी भी ना जाए, ठीक है ना, जो आपका टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं देता। मैं कहूँगा एक बंदा वो कोर्स सही नहीं करवा रहा, लेकिन वो आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, आपका रिस्पॉन्स कर रहा है, आप उससे कोर्स करें, आप भी कामयाब होंगे और उसको भी इसकी मेहनत का सिला मिलेगा। और वो यकीन माने अगर वो इस तरह बिहेव कर रहा है ना आपके साथ अच्छे तरीके से, तो आपको कोर्स भी अच्छे तरीके से करवाएगा। अनसली यार देखो ये तो जो टोपी ड्रामा है ना, ये टिकटॉक पे जो डल गया, इसकी वजह से ये ना बड़ी चढ़ाई कर रहा है, ठीक है। वो जो साथ में वो नानी वाला महाराज है, ठीक है, वो उसकी वजह से काफ़ी चढ़ाई कर रहा है, ठीक है। इसके दिनों में लाखों फॉलोअर्स हो गए, दिनों में इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। अब कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई जान, अब इसकी ज़्यादा चढ़ाई है तो लोग ज़्यादा बात है इसके पास ज़्यादा आएंगे। एक और बंदा है, उसकी अभी इतनी नहीं है, लेकिन वो भी टिकटॉक पे ठीक ठाक है, उसके पास भी लोग आ रहे हैं अब। लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी लगी कि यार वो रिस्पॉन्स टाइम पर देते, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि वो उसका भी कोर्स अच्छा नहीं है। लेकिन यार देखो, अब मैंने तो उससे कोर्स नहीं किया, मैंने तो एक ओपिनियन दिया कि यार वो उसका रिस्पॉन्स उसी टाइम आता, तो मैं इसलिए उसके सेटिस्फाइड था, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई जान, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि यार आप लोग अगर इससे कोर्स करना चाहें तो आप कर लें, अगर आपको शॉपिफाई का पहले थोड़ा बहुत पता है तो आप कर लें, ठीक है। लेकिन ये है कि यार ये अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह क्यूरी वगैरह रह जाती है तो यार वो फिर रह जाएगी, वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। कुछ ऐसी क्लासेज हैं जिस तरह के फुलफिलमेंट की क्लास, ऑर्डर फुलफिलमेंट, यानी कि ऑर्डर को किस तरह आपने वो फुलफिल करना है, किस तरह आपने उसको पेस्ट वगैरह करना है, ये क्लास हुई नहीं हमारी भाई जान। किस तरह आपने ऑर्डर फुलफिल करना है, फुलफिल करने का मतलब होता है ऑर्डर कंफर्म करना, शॉपिफाई पे जाके उसका एड्रेस वगैरह कंफर्म करना, उसको पेड करना, मार्केट पेड करना, ये सारे काम फुलफिल वगैरह ये हमें सिखाए नहीं गए, ये चीज़ें मैं सिखाई नहीं गई। ये चीज़ भी मैंने अब यूट्यूब वगैरह से सीखी है, आपके काफ़ी और ऐसे पॉइंट हैं जो मिसिंग है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें उन्होंने करवाई है ना बहुत अच्छी करवाई है, मैं उसमें कोई शक नहीं है, जो चीज़ें उन्होंने करवाई हैं अच्छी करवाई हैं, ठीक है। उन्हें आता है काम, ये नहीं कि उन्हें काम नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये है कि यार अगर आपको इससे अच्छा कोई मिले तो आप उससे कोर्स करें, जो आपकी इज्जत करता है उससे कोर्स करें, ठीक है। आप इनके इंस्टीट्यूट जाएं, वहाँ पे जाके एक चीज़ें पहले क्लियर करें, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, यार ये चीज़ें उन्होंने हमें कही थी, फिर आप इनसे कोर्स करें। अगर वो आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होती, फिर इनका बाटा पोड़ा इन पर केस करें, सीधी सी बात है, मैंने तो कर लिया, ठीक है। अब देखिए जितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने क्लासेस वगैरह की हैं,
अब क्या लगता है कि वो इनके पीछे पड़ जाएंगे? भाई देखो मेरी सेल आई है, ठीक है, मेरी सेल ना आती मैं इनके पीछे पड़ता, मैं सारे लड़के भी लेके जाता, ठीक है, क्या लगता है लड़के मेरे साथ जाते? मेरी तो सेल आ गई, मैं तो इधर बैठा हूँ, ठीक है, मुझे काम की समझ आ गई, मैं कर लूंगा, ठीक है, लेकिन जिस बेचारे की सेल नहीं आई वो मुझे कहेगा मैं पागल हूँ अपना टाइम उधर वेस्ट करके जाऊंगा? नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि जब वो मेरे साथ वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो मैं आगे करूँ? कोई किसी के पीछे नहीं जाता भाई, जाना सीधी सी बात है, कोई किसी के पीछे नहीं जाता। अब वो बेचारे वहां पे बैठे हैं, किसी एक की सेल नहीं भी आती, ठीक है, अब वो एक के तो 50,000 गए ना, वो कहेगा जी मैं क्या उसे कहता हूँ मैं अब क्या करूँ, इनके पास जाएगा उधर चक्कर लगाएगा, वो आगे कोई 10-20 जने खड़े होंगे, ये अकेला क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा, पुलिस लेके जाएगी, उनके पास पैसा है, 2 मिनट में वो बाहर आ जाएगा, ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, ये कहेंगे जी हमने ये लिखा हुआ था, ये हमने बात इनको पहले बताई थी, ठीक है, कि इस तरह आपने करना है, हर बंदा कामयाब नहीं होता, ऐसे 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 ऐसे, ये बात भी उनकी ठीक है, हर बंदा कामयाब नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप चाहें तो बेचारे का कुछ तो यार उसकी हेल्प कर सकते थे, ठीक है, जिन लोगों की सेल नहीं आती आप उनको 25% इनका रिफंड कर दें, ठीक है, नहीं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए कि उनकी सेल आ रही, वो ड्रॉप शिपिंग कर लें, वो एक बार सेल लाए आपका काम खत्म, 1,000 रुपये भी वो एक सेल में कमा लें, ठीक है, मैं 35,000 के मैंने सेल किया, मैं 1,000 रुपये कमा लूँगा ना, मैं कहूँगा यार ठीक है मेरा हो गया वर्थ इट, मेरे पूरे हो गए पैसे, ठीक है, क्योंकि मेरे 1,000 रुपये आए इनके कोर्स की करने की वजह से, ठीक है, कहने का मकसद चीज़ में यह है कि यार अगर उसको 1,000 आते हैं तो आप साइड पर यार इसको सेल आनी शुरू हो गया, अभी खुद ही करें, इसको चाहे 1,000 है चाहे 500 है हमारा इसके साथ कोई कता नहीं, सेल ला के दिखाएं, सेल ला के हमें ने क्या कहा, इन्होंने हमें क्या कहा था कि आपके 6 लेक्चर में सेल आ जाएगी, 6 लेक्चर में हमें जब बताया नहीं गया कि फेसबुक पे ऐड किस तरह चलानी, ऑर्डर फुलफिलमेंट किस तरह करनी है, टिकटॉक का अकाउंट हमें तब बनाने का बताया गया, तो 6 लेक्चर में किस तरह फेल नजर लगा यार, थोड़ी तबीयत खराब तो यार, वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है भाई, देखें मैंने कोर्स किया है, मैंने पैसे पे किए हैं, आपने करना करें, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको भाई कोर्स करवा दूंगा, चाहे कोर्स करवा दूंगा, क्या याद रखेंगे, ऐसा कोर्स करवाऊंगा कि आप याद रखोगे, इनकी कोई वीडियो नहीं उठाऊंगा, खुद की वीडियो बनाऊंगा, खुद समझाऊंगा, कोई समझ नहीं है, इंस्टाग्राम पढ़ा है, फेसबुक के कमेंट्स, टिकटॉक के, यूट्यूब के कमेंट्स पढ़े हैं, कमेंट्स मैं कहता हूँ कमेंट करते मैं रिप्लाई करूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ना करूं फिर मुझे कहना, ठीक है, इंस्टाग्राम पर है, टिकटॉक ये मेरा टिकटॉक है, इस पे ये शॉपिफाई के रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, इस पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है, बाड़ा फोड़ दूंगा एक दिन, ठीक है, बाकी इस वीडियो को इतना से शेयर करो, मैं कहता हूँ अंत पाए आज शेयर कर दो, हमारे के सब्सक्राइबर पूरे कर दो, कोर्स करा देना, जाओ ऐश करो, देखें ये माइक जो मैंने लगाया हमारा, ये माइक आपने काफ़ी टाइम से नोटिस किया होगा, ये माइक भी मैंने बाद में लिया, ठीक है, जारी बात है, खर्चा होता है, फिर खर्चे करने पड़ते हैं, फिर आप कुछ करते हैं, ये माइक मैंने ऐड के लिए लिया था, जितनी देर मेरा ये माइक नहीं आया मैंने अपनी ऐड नहीं बनाई, मेरे माइक आया मैंने ऐड बनाई, मैंने उस पर स्पेंडिंग की $10 की, मुझे ऑर्डर आए मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी तक ऑर्डर एक रिटर्न आया, 5-6 डिलीवर हो गया, 5-6 इंट्राजेंट है, 5-6 अभी अच्छा सी पे दफ्तर पहुंचे, इस तरह जा रहे हैं ऑर्डर, कोई मसला नहीं, अब मैंने वो ट्रैक्स पे कुरियर के किया होगा अप्लाई, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आएगा, मैं उनसे फिर मैं वाइट लेबल पर आ जाऊँगा, मैं फिर क्या उसे कहते हैं फ्लायर लाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें करूँगा, एक दिन की बात एक झूठी थी कि यार 30-40 हज़ार में हो जाएगा, 30-40 हज़ार में काम नहीं होगा, ठीक है, मेरा पहले तीन मंथ तो $1 का प्लान होता है शॉपिफाई का, ठीक है, $1 $300 बनते हैं, चौथे मंथ वही $25 का हो जाता है, तकरीबन 8 से 9 हज़ार, ठीक है, हर मंथ के, ठीक है, डोमेन आपको 1 साल की बाय करनी पड़ती है, 3-4-5 हज़ार की आपको डोमेन मिल जाती है, .com.pk वाली फ्री भी मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है, महंगी भी मिल जाती है, पैसों की मिलती है, इस तरह, ठीक है, वो लेकिन वो आपको साल के लिए मिलती है, 1 साल के लिए, ठीक है, वो डोमेन बाय किया, ठीक है, वो तकरीबन मेरा कोई 5-6 हज़ार खर्चा हो गया, ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं ये इसकी टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट की, इस पर क्या उसे कहते हैं मेरा 7-8 हज़ार इस पर लगा लें, कोई 15 हज़ार ये मेरा लग गया, अब दूसरी बात ये है कि इस पर जो स्पेंडिंग करनी है 3-4 हज़ार की, 20 हज़ार की हो गया, 20 हज़ार रुपये की अगर मैं प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, अब मैं $10 की ऐड लगाई है, ठीक है, $10 में मुझे 30 ऑर्डर आ जाते हैं, अब मैंने ऐड ही 2-3 हज़ार वाले रुपये वाली प्रोडक्ट की लगाई, मुझे $10 आते हैं 20-30 हज़ार 10 ऑर्डर आते हैं, तो 20-30 हज़ार मेरा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, फिर उसकी जो मैंने पैकिंग करनी है फ्लायर, आपको पता है वो जो शॉपर है वो 3-4 हज़ार के वो 200-300 पीस मिलता है शॉपरों का सिर्फ, तो खुद ही आप हिसाब लगा लें, और अगर आपको मुझे देखो एक दिन में 34 ऑर्डर आए, अगर मुझे एक दिन में 34 ऑर्डर आ जाए तो मैं किस तरह वो पे करूंगा, मुझे तो कहीं से पैसे पकड़ने पड़ेंगे, मेरे पास तकरीबन कोई 70-80 हज़ार का बजट होगा, फिर मैं वो 30-34 ऑर्डर निकाल सकूंगा, फिर वो जो 5-6 दिन में डिलीवर होंगे, फिर मुझे हफ्ते बाद जब उसकी पेमेंट आएगी फिर मैं आगे काम स्टार्ट कर सकूंगा, ये सीन है सारा, तो भाई सीधी सी बात है आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फिर ही आप इस काम में आए, वरना ना है, ड्रॉप शिपिंग में कोई आपका बिजनेस नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में कोई आपका फ्यूचर नहीं है, ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में बेकार है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान वाले बहुत हाई रेट देते हैं, ड्रॉप शिपिंग में बहुत गंदी सर्विसेज है, आप वर्ल्ड लेवल करें, वर्ल्ड लेवल में ही आपका काम है, लेकिन वर्ल्ड लेवल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन वीडियो काम की है, अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पढ़ दें, इंस्टाग्राम पढ़ दें, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करोगे ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ये भी देख लें, हाँ तो बाकी देख लें, बाकी ये है कि कुछ चंद बातें अभी मिसिंग है, लेकिन ये है कि वीडियो काफी लंबी हो रही है, वो फिर कर लेंगे बाद, बाकी कोई क्वेश्चन कोई क्यों नहीं होगा, कल की वीडियो में कल की डेट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, बस आपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार पूरी ना मैं वीडियो बना चुका हूँ, पूरी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बाद में मुझे पता चला कि मेरा जो माइक है ना ये काम ही नहीं था कर रहा।
लेकिन ये है कि उससे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा शोर आएगा, उसको इग्नोर करना। माइक अब ऑन हुआ, ये देखो, वो तब मैंने पता ही नहीं किया, वो माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ, मैंने चेक ही नहीं किया, तो अब माइक ऑन हुआ है, तो अब तो शोर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा आया, लेकिन वो मैं एडिटिंग के दौरान कर लूँ। बाकी वीडियो पूरी देखना, वीडियो को पूरा वॉच करना, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। तो स्टेबलाइज, बी हैप्पी।